हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, आपको पता है मैं आपको न्यूमेरिक मेथड बुक करवा रही हूँ एंड आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें एंड वीडियो को अच्छे से देखें। तो मैं आपको दूसरी बुक स्टार्ट करा रही हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा एमएससी मैथ्स से करना चाहता है उसके लिए तो है ही, क्योंकि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको एमएससी लेवल पे। तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जब आपको टोपोलॉजी रियल नंबर्स के बारे में समझ में आ जाएगा तो आपको सीक्वेंस पढ़ने में और सीरीज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। इसको कोई चेंज कर सकता है? नो, इट कैन नॉट बी चेंज। इसलिए ये क्या है? एक सेट है। अब मैं कहूं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, किसी और को कुछ और खाने में पसंद है, तो वो सेट नहीं है, क्योंकि थिंकिंग है और जो चीजें हैं वो मैच नहीं कर रही है। अब नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये टोपोलॉजी है कि इनको कोई बदल नहीं सकता। तो इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हमारा डाटा फिक्स होता है। अब जैसे ए बी सी डी अप टू जेड, ये क्या है? ये भी एक प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि इनको भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग। अब जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर उस सेट का मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? एलिमेंट है, और साथ के साथ ये सेट का मेंबर भी है। हम इनको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर नंबर्स किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कौन सा सेट पढ़ा है? नेचुरल नंबर का सेट, ये भी एक सेट है। इंटीजर्स भी एक सेट है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से। रेशनल नंबर भी, तो क्या उसे? इरेशनल को आई से। और सेट क्या है? रियल नंबर का, वो आर से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक मुझे ये डिटेल नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेट। अब नंबर वन डेफिनेशन होती है मेरी फाइनाइट सेट, एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट होती है। इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब जैसे मैं एक सेट लेके चल रही हूं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? एक फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड नंबर है 1 से लेके 5 तक। जो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज दे डोंट हैव लिमिट ऑफ देयर नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का सेट ये है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, इसकी लिमिट अप टू सो ऑन है, लिमिट नहीं है, ये नंबर कहीं तक भी जा सकता है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब मैं लेके चल रही हूं ए बी सी डी, मैंने इसको बंद कर दिया इस सेट को, इसकी लिमिट है कि ये ए से लेके डी तक ही है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए से डी तक है, तो ये फाइनाइट है। तो इन्होंने डेफिनेशन यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट सेट है, जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक फाइनाइट है, मैंने अभी आपको बताया था 1 से लेके 5 तक इसमें एलिमेंट सीमित है, इसका मतलब ये फाइनाइट है। इवन नंबर 2, 4, 6 ये क्या है? फाइनाइट है। 2, 3 इज फाइनाइट सेट, बट एलिमेंट इंटरवल 2, 3 इज एन इनफाइनाइट सेट। देखो जैसे ये 2, 3 इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। 2, 3 इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज है, बंद हो गया तो इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, इसलिए ये फाइनाइट है। लेकिन ये अब ओपन हो गया, ओपन का मतलब है कि 2 से पहले क्या है 1, 3 से पहले क्या है 4, इसके बाहर से भी अगर एलिमेंट आ सकता है तो वो इनफाइनाइट सेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम और भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओपन है। ओपन क्या है? खुला है, और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। और ये मेरा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। और ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ओके स्टूडेंट, अब तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल क्या होता है? एक ओपन, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या होता है? जिसकी लिमिट होती है। अभी मैंने आपको समझाया था क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज क्या है? जो प्रॉपर बंद है, उसके अंदर लिमिट है कि उसके अंदर ए से लेके बी तक ही एलिमेंट आ सकते हैं। ओपन है कि ए से बाहर वाले भी आ सकते हैं और बी से बाहर वाले भी आ सकते हैं। एक होता है ए बी,
मतलब ए से तो क्लोज है, ए से बाहर से एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन बी से बाहर से आ सकता है क्योंकि बी से क्या है वो ओपन है। एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब बी के बाहर से एलिमेंट नहीं आएगा लेकिन ए के बाहर से एलिमेंट आ सकते हैं क्योंकि ए की साइड से वो ओपन है लेकिन बी की साइड से वो बंद है, इसलिए उसको क्या कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन क्लोज, क्योंकि आगे से ओपन है पीछे से बंद है, ये क्या है क्लोज ओपन इंटरवल। और ये कैसा इंटरवल है, जो प्रॉपर बंद है वो क्लोज इंटरवल और जो प्रॉपर खुला हुआ है वो ओपन इंटरवल। आपको इंटरवल्स के बारे में समझ में आ गया। अब देखो जो रिमार्क्स यहाँ पर जितने भी गिवेन है उनको अच्छे से पढ़े। एवरी इंटरवल इज ए इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट नॉट बी ए इंटरवल। जो भी एक इंटरवल है, जैसे मैंने ओपन क्लोज का ए से बी लिया है, वो इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन जो इनफाइनाइट है वो जरूरी नहीं है कि वो इंटरवल हो। ओके स्टूडेंट, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सबसेट। क्या पढ़ रहे हैं, सबसेट। मैं एक सेट लेके चल रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, एक मैं सेट लेके चल रही हूँ 1, 2, 3। सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हो। अब देखो, एक मैंने वाई सेट लिया, एक मैंने एक्स सेट लिया। एक्स में कितने एलिमेंट है, 3 है, 1, 2, 3। क्या एक्स की एलिमेंट वाई के अंदर है, यस है ना, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है कि वाई जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, वाई में। अब मैं लेके चल रही हूँ एक सेट वाई इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और एक लेके चल रही हूँ 1, 2, 3, 5। देखो x के सारे एलिमेंट क्या y में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि 5 तो y सेट के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू y, x क्या है y से बिलोंग नहीं करता। तो सबसेट क्या होता है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करते हो। a एंड b आर टू सेट, a और b दो सेट लिए हैं। एलिमेंट a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, जो a के एलिमेंट है वो सारे b के अंदर है। हम क्या कह सकते हैं कि a सबसेट है b का, क्योंकि a के सारे के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं, b के अंदर। आगे स्टूडेंट्स, एज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि a क्या है 1, 3, 5 है, क्या b के अंदर 1, 3, 5 है, यस है। तो इसका मतलब क्या है कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, b के। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट किस में आ गए, b में। और बिलोंग कैसे कराते हैं, ऐसे c के साथ, ठीक है। बिलोंग नहीं करेगा तो स्लैश लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, a है वो सबसेट बन गया b का। अब मैंने उल्टा ले लिया, y ऊपर x नीचे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि x के सारे एलिमेंट y में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 6 है, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, अनबाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, बाउंडेड अबव सेट। बाउंड का मतलब क्या होता है, बंधना, कि कोई भी एक सेट है वो बंधा हुआ है। कहां से, अबव मतलब ऊपर से, कोई भी सेट जो ऊपर से बंधा हो वो बाउंडेड अबव सेट है। ये मेरी रियल नंबर की लाइन है, मैंने इसको यहां से बांध दिया। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड अबव, क्योंकि वो ऊपर से है। जैसे मैं सेट लेके चल रही हूं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मेरे पास एक सेट है, ये बाउंडेड अबव सेट है। कैसे है, क्योंकि इसका जो एक लास्ट एलिमेंट है वो किससे बंधा हुआ है, 5 से। और 5 क्या है, इसका बाउंडेड अबव सेट, कि इसके आगे के एलिमेंट नहीं आ सकते, इसलिए ये 5 से बंध गया। अब जैसे मैं लेके चल रही हूँ एक और सेट -2, -1 तक लेके चल रही हूँ। अब ये कैसा सेट है, ये भी बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव कैसे, क्योंकि -1 क्या है, -1 से ये सेट क्या है, बंधा हुआ है। मैंने क्या बताया था, रियल नंबर में जो भी लास्ट नंबर हो अगर वो ऊपर से बंधा हुआ है तो वो कैसा सेट हो जाएगा, बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड अबव सेट। अनबाउंडेड जो ऊपर से बंधा नहीं होगा, ऐसा सेट जो ऊपर से ना बंधा हो वो क्या होता है हमारा, अनबाउंडेड सेट। जैसे मैं लेके चल रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ये कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का है, ये ऊपर से बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ। इसका मतलब क्या है, अनबाउंडेड सेट है। क्या है ये, अनबाउंडेड। अब मैं इंटीजर लेके चल रही हूं 1, 2, 3, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी क्या है, अनबाउंडेड सेट है। लेकिन मैंने अभी लिया था -2, -1, ये क्या है,
बाउंडेड अबव है क्योंकि ये माइनस वन से बंधा हुआ है, इसके आगे के एलिमेंट हम नहीं ले सकते। ये अनबाउंडेड अबव क्यों है? क्योंकि इसके आगे के एलिमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट हमारे पास नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब यहाँ पर लिमिट है कि ये माइनस वन तक ही आएंगे, इसके आगे के हम ले सकते हैं। तो माइनस वन क्या हो गया? इसका बाउंडेड अबव सेट। अब हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि बाउंडेड अबव और अनबाउंडेड अबव क्या होता है। एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, एक सेट के अंदर रियल नंबर है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब वो सेट खाली नहीं है। तो एस उस सेट का क्या होगा? बाउंडेड अबव, ऊपर से बंधा हुआ होगा अगर उसका रियल नंबर के वन बड़ा हो। यही बताया था, एक्स उसके अंदर एलिमेंट है लेकिन वो किससे बंधा हो? के वन से। तो के वन क्या हो जाएगा? उसका अपर बाउंड, क्योंकि वो ऊपर से बंधा हुआ है। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 का लिया था तो वो कहां से बंध गया? 5 से, इसीलिए वो क्या हो गया? उसका अपर बाउंड हो गया, और उसी को क्या कहते हैं? बाउंडेड अबव। इफ सेट हैज एन अपर बाउंड के वन, अगर उसका के वन अपर बाउंड है तो रियल नंबर ग्रेटर देन के वन ऑल्सो अपर बाउंड, अगर उससे ऊपर के भी होंगे वो भी उसके क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड। ये एक सेट है, तो के वन के टू के थ्री क्या है? इसके अपर बाउंड। ऑन द रियल लाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ऑन द लेफ्ट ऑफ अपर बाउंड इज शोन फिगर, के वन के टू थ्री आर द अपर बाउंड। क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है? जो ऊपर से बंध जाता है उसके आगे के एलिमेंट हम, उससे पहले के एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। जहां पे सेट हमारा बंद हो जाता है वो हमारा अपर बाउंड सेट कहलाता है। इफ सेट इज, मैंने बात बताया था ना कि रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करना जरूर। एस इज बाउंडेड अबव, एस ऊपर से बाउंडेड है, इनफाइनाइट नंबर, देन इट हैज ए इनफाइनाइट ऑफ अपर बाउंड्स, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं क्योंकि एक जगह से वो बंद चुका है। इसका मतलब उससे आगे आने वाले एलिमेंट सारे भी क्या हो जाएंगे? उसके अपर बाउंड हो जाएंगे। अनबाउंडेड अबव, जो ऊपर से बंधा नहीं होगा, अब आगे के एलिमेंट हम कितने भी ले ले वो सब क्या है? अनबाउंडेड है, क्योंकि उसकी लिमिट तो है ही नहीं है, क्योंकि यहां पर वो जो सेट है वो बंधा नहीं है। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी लेंगे मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अनबाउंडेड कब होंगे? उसका कोई रियल नंबर के उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उस सेट की जब लिमिट ही नहीं पता मैं कैसे बता सकती हूँ कि उस सेट का अनबाउंडेड अबव क्या है? तो वो सेट क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस सेट का बाउंडेड क्या है? 5 है। 5 क्या है? बाउंडेड अबव हो गया। अब इससे आगे 6, 7, 8, 9 आएंगे, वो अपर बाउंड नॉट बिलोंग टू द सेट। वो अपर बाउंड तो है लेकिन वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो अपर बाउंड है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? के वन क्या है? फाइनाइट नंबर है। के वन क्या हो गया? उसको, इसने उसको बाउंड कर दिया, लेकिन उससे आगे आने वाले भी तो अपर बाउंड ही होंगे। ऐसे ही 5 क्या है? अपर बाउंड है। 6, 7, 8, 9 भी क्या होंगे? अपर बाउंड, क्योंकि 5 से तो वो बंद गया, उससे आगे आने वाले भी क्या हो जाएंगे? बंद जाएंगे। जैसे ये लिया -4, -3, ये सेट किससे बंध गया? -1 से। -1 क्या है? बाउंडेड अबव है। अदर अपर बाउंड डज नॉट बिलोंग, इससे बिलोंग क्यों नहीं? इसे अपर बाउंड जो है वो बिलोंग नहीं करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, क्योंकि उससे आगे लिमिट आ जाती है। अब एस क्या है? 1, 1/2, 1/3, 1/4, नेचुरल नंबर 1/n, ये क्या है? 1 इसका अपर बाउंड है विच इज बिलोंगिंग टू ए सेट, क्योंकि सेट से वो बिलोंग कर रहा है। ग्रेटर देन 1 आर ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ सेट, इससे ऊपर जो ना 1 से ग्रेटर होगा वो अपर बाउंड होगा लेकिन वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। -2, -3/2, -4/3, ये भी बाउंडेड अबव है, किससे? -1 से, लेकिन अपर बाउंड सेट का है लेकिन वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। अनबाउंडेड कौन से हो जाएंगे? जो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। जो इनफाइनाइट सेट होगा वो अनबाउंडेड अबव होगा। रेशनल, रियल, ये क्या है? सारे अनबाउंडेड है, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए क्या है? ये सारे अनबाउंडेड सेट है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बिलो सेट। बाउंड मतलब बंधना, बिलो मतलब नीचे से। अब बाउंडेड अबव में क्या हो रहा था? जो सेट ऊपर से बंद हो रहा है, ठीक है, ऊपर से। जैसे मैं सेट लेके चल रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 up to so on, ये सेट क्या है? ऐसा सेट जो नीचे से बंधा होगा। तो 1 क्या हो जाएगा? उसका बिलो सेट, बाउंडेड बिलो सेट, जो 1 से बंधा हुआ है और इससे आगे -1, 0, -2, ये भी सारे क्या है? लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्यों है? क्योंकि 1 हमारे पास एक लिमिटेड नंबर है जो कि बाउंडेड बिलो है, और इससे नीचे आने वाले भी सारे क्या हो जाएंगे? बाउंडेड बिलो हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं अनबाउंडेड बिलो सेट। ऐसा सेट जो नीचे से बंधा नहीं होता, अनबाउंडेड जो बंधा नहीं होगा ऐसा सेट, जैसे -3, -2, -1, 0, ये बाउंडेड अबव है लेकिन ये बाउंडेड बिलो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सेट के अंदर है ही नहीं, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, इसलिए ये सेट क्या है? अनबाउंडेड, क्योंकि ये यहाँ नीचे से बंधा हुआ नहीं है, ये ऊपर से बंधा हुआ है। ऊपर से बंधा तो मतलब बाउंडेड अबव,
और ऊपर से नहीं भर रहा तो इसका मतलब अनबाउंडेड बिलो। ओके स्टूडेंट, जो सेट नीचे से बंधा होगा वो बाउंडेड बिलो, जो सेट नीचे से बंधा नहीं होगा वो बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। लेट एस बी एंड नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट ही लेके चलेंगे, जब तक एलिमेंट्स नहीं होंगे तो सेट कैसे बताएगा कि वो बाउंडेड है या नहीं। वो बाउंडेड बिलो कब होगा, जब हमारा एक्स ग्रेटर होगा के वन से। इसका मतलब अब की बार जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, बाउंडेड अबव में क्या होता था k की वैल्यू ग्रेटर थी, यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो जो x होगा सेट का वो लोअर बाउंड कहलाएगा, लोअर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो कहलाएगा। तो k1 क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ s, जब k1 से सारे छोटे होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको नोट्स भी चाहिए इस चैप्टर के डेफिनेशंस वगैरह लिखी विद एग्जांपल्स, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दें, और वैसे हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब देखो, हमने यही पढ़ा था, जो सेट नीचे से बंधा है, अब k2 k1 ठीक है, यहां से बांध दिया क्योंकि ये नीचे है, ये सेट के सारे एलिमेंट्स है। k1 क्या है, लोअर बाउंड है एलिमेंट का जो कि राइट से बंधा हुआ है, वेयर k2 इज ग्रेटर देन 1 एंड k2 इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ s, क्योंकि अगर k1 से बंध गया तो इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएगा सेट का। अनबाउंडेड जो सेट बंधा नहीं होगा, जिसमें एक्स इज नो, वी कैन नॉट फाइंड ए रियल नंबर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन के। अब हम सेट लेके चल रहे हैं, एन इज वन नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ये क्या है, बाउंडेड बिलो है क्योंकि वन से बंधा हुआ है, इससे आगे कितने भी आ सकते हैं। इसका मतलब वन क्या हो गया, लोअर बाउंड, और वन से नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे उस सेट का, 0 -1 -2 -3। लेकिन ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब एस वन 1/2 1/3 1/4 नेचुरल नंबर तक लेके जा रहे हैं, एन नंबर तक लेके जा रहे हैं एलिमेंट्स। वन क्या है इसका, इज ए बाउंडेड बिलो, इट्स लोअर बाउंड इज जीरो, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन वो उसके लोअर बाउंड होंगे। अब मैंने आपको अनबाउंडेड का बताया था, क्या था, जैसे इंटीजर है, रेशनल है, रियल है, ये सब क्या है, अनबाउंडेड बिलो है। क्यों, क्योंकि ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बंधे होते हैं। एक बात स्टूडेंट्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब आप नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेचुरल नंबर का सेट, किसका सेट, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है प्लस अनबाउंडेड अबव भी होता है। कैसे होता है, सेट लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये सेट क्या है, नीचे से बंधा हुआ है, ये मेरा K1 है, ये K2 K3, ये सेट नीचे से बंधा हुआ है, मतलब बाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड अबव क्यों है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है, आगे कितने भी जा सकते हैं। जब आगे की बात करते हैं तो वो अबव हो जाता है, नीचे की बात करते हैं वो बिलो, तो आगे की इसकी लिमिट नहीं है, इसलिए ये अनबाउंडेड अबव भी है। मैं सेट लेके चल रही हूं इंटीजर्स का, इसे डिनोट करते हैं हम जेड से। ये क्या होता है, बाउंडेड अबव भी होता है प्लस अनबाउंडेड बिलो भी होता है। कैसे, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, -3 -2 -1 0, बाउंडेड अबव है, कैसे, -1 से। इसके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन वो उनका अपर बाउंड होगा। ये अनबाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट नंबर जा रहे हैं जब हम बिलो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टू डेफिनेशंस बची हैं उसको पढ़ेंगे, वो आपको और भी इजी लगेंगी पढ़ने में, क्योंकि आपने और सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जैसे मैं लेके, क्या डेफिनेशन है मेरी, बाउंडेड सेट अनबाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है, जो दोनों जगह से क्या हो, बाउंड हो। अनबाउंडेड होता है जो दोनों जगह से बाउंड नहीं होता। सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सेट क्या है, बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि ये यहां से भी बंद है और यहां से भी। अनबाउंडेड होता है एज एन ओपन इंटरवल, जो दोनों से क्या हो, खुला हुआ हो, जैसे -2 -1 0 1 2, क्योंकि मैंने ओपन इंटरवल लिया है, इसके अंदर एलिमेंट इससे आगे नहीं आ सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अनबाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर के लिए जो बाउंड है। देयर एग्जिस्ट, दो रियल नंबर होंगे, क्योंकि बंद करना है तो दो नंबर की जरूरत है। एक नंबर K1 ले लिया मैंने, एक नंबर K2, K1 से छोटा और K2 से बड़ा।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो के वन और के टू क्या हो जाएगा, के वन उसका लोअर बाउंड और के टू अपर बाउंड, तो के वन और के टू क्या है, इसके बीच के जितने भी नंबर है वो सेट से बिलोंग करेंगे, तो के वन उसका लोअर बाउंड हो जाएगा और के टू अपर बाउंड, ये क्या होता है, बाउंडेड सेट। अनबाउंडेड क्या होता है, वही रियल नंबर का सेट होगा। अनबाउंडेड कैसे होगा, ना तो उसके अंदर लोअर बाउंड आएगा ना ही उसके अंदर अपर बाउंड आएगा, मतलब वो अनबाउंडेड बिलो भी होगा और अनबाउंडेड बिलो भी होगा, अबव अनबाउंडेड बिलो होगा और अनबाउंडेड बिलो अबव बोथ के लिए भी होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने सेट लिया 1 से 20 तक, बाउंड है कहां से 1 से लेके 20, तो 1 क्या है उसका लोअर बाउंड है, 20 क्या है उसका अपर बाउंड है, तो 1 इज अ लेस नंबर एंड 20 इज द ग्रेटर नंबर ऑफ दिस सेट। एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ 1 - 2 - 3 - 4 - 19 - 20। अब इसका लोअर बाउंड आप क्या लेके चलोगे, -20 क्योंकि नेगेटिव नंबर पहले आता है, और इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा 19 क्योंकि इसके बीच में कितने भी एलिमेंट्स हो लेकिन हमें उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता है, इसका मतलब क्या है, वो बाउंडेड सेट है। एक इंटरवल और हम अगर जब मैं क्लोज इंटरवल लेके चलती हूँ ए और बी, तो ए उसका लोअर बाउंड, बी उसका अपर बाउंड, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओपन इंटरवल में जब मैं एलिमेंट लेके चलती हूँ तो लोअर बाउंड उसका ए होता है और अपर बाउंड उसका बी, क्योंकि उसके अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं इसलिए वो बाउंड हो जाता है ए और बी से। नेचुरल नंबर का सेट है अनबाउंडेड है क्योंकि इसका रियल नंबर अपर बाउंड सेट में नहीं होता। इंटीजर का सेट है इसे अनबाउंडेड, अनबाउंडेड क्यों है क्योंकि इससे आगे के एलिमेंट भी आ सकते हैं और इससे भी आगे के एलिमेंट, तो के इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ऑल्सो, नो रियल नंबर फॉर के डैश इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड इन दिस सेट। इस सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इससे आगे के एलिमेंट भी आता है और इससे पीछे के भी एलिमेंट आते हैं। रेशनल सेट का भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। जितने भी फाइनाइट नंबर का सेट होता है वो बाउंडेड होता है। जो सेट सबसेट क्या होता है, जिसके सारे के सारे मेल एलिमेंट अपने दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे, तो वो सेट भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सेट। जो सेट अपने आप में बंध जाता है वो क्या होता है, बाउंडेड, और जो नहीं बांध पाता वो अनबाउंडेड सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशंस कराई आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें, या कोई प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।